हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 के जीव विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके पिछले साल के पेपर में 2023, 22, 20, 19, 18 में ये सभी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि आप सभी का जो 2024 में बोर्ड की परीक्षा होने वाला है, आपके जीव विज्ञान के जो प्रश्न पूछा जाएगा, जो प्रश्न आपको करा रहे हैं, इन्हीं में से आने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 95% तक मार्क पक्का करना चाहते हैं तो जितने भी प्रश्न आपको करा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए जिससे आपसे एक भी इम्पोर्टेंट प्रश्न छूट न सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने पहला नंबर सवाल है कि मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है कि मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो फ्रेंड्स, देखिए आपका प्रत्येक प्रश्न का उसके सामने चार ऑप्शन हैं। जिस प्रश्न का आंसर आपको पहले से आ रहा हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ऑप्शन है पहला है कूपिका कहते हैं, या कंठ जो होता है, श्वासनली या बोनकाइन। तो फ्रेंड्स, याद आप रखिएगा कि मानव में जो गैस होता है उसका आदान प्रदान जो होता है वो कूपिका के द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका दूसरा नंबर का सवाल है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है श्वसन में निभाता है, या उत्सर्जन में, या पाचन में, या पोषण में। देखिए फ्रेंड्स, जो हीमोग्लोबिन है महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है, जो आप सांस लेते हैं उसमें हीमोग्लोबिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए क्या है अगला नंबर का, कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। आप याद रखिएगा फ्रेंड, डायरेक्टली जो श्वास नली है, ठीक है, जो आप सांस लेते हैं, जिस नली से आपका सांस जाता है आता है, वो क्या होता है कि उस नली की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, या 10 से 15 सेंटीमीटर होगा, या 20 से 30 सेंटीमीटर होगा। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा 10 से 12 सेंटीमीटर आपकी श्वास नली की लंबाई होती है। तो श्वास नली की लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स, 10 से 12 सेंटीमीटर, आप इसको याद रखिएगा। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि कोशिका प्रकरों में ऊर्जा मुद्रा है। देखिए फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको तो आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा का मुद्रा क्या है, जिसे ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। ऑप्शन है माइटोकांड्रिया, या ग्लूकोज, या एटीपी, या पाइरूवेट। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एटीपी। तो देखिए कोशिका प्रकरों में जो ऊर्जा मुद्रा है एटीपी के रूप में होता है, या इसे ही एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आपके सामने पांचवा नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है। ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस का अंत जब होता है तो उसमें कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है। ऑप्शन है 2 होगा 0 होगा 4 होगा या 8 होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में आपको 0 ATP अणुओं का लाभ होता है, यानी कि एक भी अणु का लाभ नहीं होता है। ठीक है, 0 मतलब होता है एक भी, ठीक, एक भी नहीं। ठीक है, देखिए छठवां नंबर का सवाल आपका है फ्रेंड्स कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या। देखिए फ्रेंड्स, आप मानो जो हैं, ठीक है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, उसमें फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। तो आप देखे होंगे, चित्र भी आप देखे हैं, उसमें कितने फेफड़े होते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें आपके 2 फेफड़े होते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, आपका बी वाला ऑप्शन, छठवां का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसका पाँचवा का आंसर करेक्ट कर लीजिए, ये मिस्टेक हो गया, ये नहीं होगा आपका, ये आपका ए वाला ऑप्शन होगा। 2 अणुओं की
क्या होता है, लाभ होता है, कितना, दो अणुओं का लाभ होता है। तो पांचवा के ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए सातवां नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसकी प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है। ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, राइबोसोम्स, माइटोकांड्रिया या अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो सही जवाब होगा आपका कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में। और ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है उसमें कितने एटीपी के अणु मिलते हैं, दो एटीपी के अणु मिलते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आपका आठवां नंबर का सवाल है कि एल्कोहल का निर्माण होता है, यानी एल्कोहल का निर्माण कहाँ पर होता है। तो आपका ऑप्शन है ऑक्सी श्वसन जब होता है तो वहाँ पर होता है, या किण्वन की प्रक्रिया में, या ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में, या कहीं पे भी नहीं, ठीक है। तो एल्कोहल का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स आपका किण्वन में होता है, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। आपका अगला नंबर का सवाल है नौवां नंबर का कि किस श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया ऑक्सी श्वसन जब होता है उस समय, या किण्वन की प्रक्रिया में, या अनाक्सी श्वसन में, या कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स जब श्वसन की दो प्रक्रिया होती है, एक ऑक्सी एक अनाक्सी, तो ऑक्सी श्वसन में जो होता है सर्वाधिक ऊर्जा आपका प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ऑक्सी श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा आपको प्राप्त होता है। फ्रेंड्स किण्वन में अभी आपको बताएं कि किण्वन में किसका निर्माण होता है, तो एल्कोहल का निर्माण होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, दसवां नंबर का आपका सवाल क्या है। देखिए फ्रेंड्स दसवां नंबर का है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ऊर्जा का मात्रक भी आपका बायोलॉजी में जो होता है वो क्या होता है, एटीपी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, ठीक है, या ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक अणु ग्लूकोज जो होता है उसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण वो होता है, तो उससे जो एटीपी के अणु मिलते हैं वो टोटल कितने मिलते हैं, 38 मिलते हैं। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, आपका ग्यारहवां नंबर का सवाल क्या है कि श्वसनीय पदार्थ कार्बनिक पदार्थ हैं जो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करने के होता है, यानी ऑक्सीकृत होता है तब बहुत ऊर्जा मिलता है आपको, या अपघटित होता है, या संश्लेषित होता है, या ए और बी दोनों। तो फ्रेंड देखिए इसका जो सही जवाब है आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो श्वसनीय जो पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स वो कार्बनिक पदार्थ हैं, उसका जब श्वसन होता है तभी आपका ऊर्जा उससे क्या होता है, मुक्त होता है। तो ऑक्सीकृत जो होता है उस समय आपका क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद आपका बारहवां नंबर का सवाल है, देखिए क्या है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, देखिए कोशिका द्रव्य, राइबोसोम्स में, माइटोकांड्रिया में, अंतःप्रद्रव्यी जालिका में। फ्रेंड्स देखिए इसका सही जवाब आपका क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में होती है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स अभी आपको ये क्वेश्चन कराया है कि ग्लाइकोलाइसिस की जब प्रक्रिया होती है उसमें एटीपी के कितने अणु मिलते हैं, कितने मिलते हैं, दो अणु मिलते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा आप याद रखिएगा जो माइटोकांड्रिया होता है उससे ऊर्जा ग्रह कहते हैं, सॉरी दोस्तों ऊर्जा गृह कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी ऊर्जा घर। ऊर्जा घर क्या कौन होता है, माइटोकांड्रिया, या इसे ही इनर्जी या पावर हाउस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनर्जी या पावर हाउस भी माइटोकांड्रिया को ही कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपका तेरहवां नंबर का सवाल है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। यह आपके बोर्ड के एग्जाम में यह भी सवाल आ चुका है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, या 32 होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मनुष्य में जो दूध के दांतों की संख्या होती है फ्रेंड्स 20 होती है, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स 14 नंबर का सवाल आपका है, मनुष्य में लार में पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये बोर्ड के एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि मनुष्य का जो लार होता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। ऑप्शन है टायरिन पाया जाएगा, लाइसोजाइम पाया जाएगा, या पेप्सिन पाया जाएगा, या ए बी दोनों होगा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो मनुष्य का लार होता है ना, ठीक है, उसमें आपका टायलिन भी पाया जाता है और
लाइसोजाइम भी पाए जाते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए भी सही है आपका, बी भी सही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15वां नंबर का सवाल, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्या है कि पित्त रस का स्राव होता है, यानी पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन है पित्ताशय से, यकृत से, अग्न्याशय से या अमाशय से। इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पित्त रस का जो स्राव होता है यकृत से होता है, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे, कई बार ये रिपीट हो चुका है प्रश्न। देखिए 16वां नंबर का है कि पादपों में प्रदूषक कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। उसे श्वसन, श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण या वाष्प उत्सर्जन या प्रोटीन। देखिए फ्रेंड, जो पादपों में प्रदूषण जो होता है ना, वायुमंडल में जो प्रदूषण होता है, तो पादपों के द्वारा क्या होता है उसे कम किया जाता है। तो वो प्रक्रिया जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय आपका प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए अगला नंबर 17वां नंबर का है, यह भी आपके बोर्ड के एग्जाम। देखिए फ्रेंड, जितने भी प्रश्न लिए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में सभी प्रश्न रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। देखिए क्या है, कौन विषमपोषी नहीं है? ऑप्शन है देखिए यहाँ पे क्या है, कौन विषमपोषी नहीं, तो ऑप्शन है फफूदी, फीता कृमि, ईस्ट या मनी प्लांट। तो देखिए फ्रेंड्स, विषमपोषी नहीं है तो ये होता है आपका मनी प्लांट। मनी प्लांट क्या होता है आपका फ्रेंड्स, ये स्वपोषी होता है। क्या होता है इसे याद रखिएगा, स्वपोषी होता है। मनी प्लांट क्या होता है, स्वपोषी होता है। जबकि इसके अलावा जैसे फफूदी हुआ, फीता कृमि होगा, ईस्ट हो गया, ये विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को, 18वां नंबर सवाल यहाँ पे देखते हैं कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है, यानी क्लोरोफिल जो होता है उसे कौन अवशोषित करता है, जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा या ऑक्सीजन, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आपका कि क्लोरोफिल जो अवशोषित करता है फ्रेंड्स, तो प्रकाश ऊर्जा जब होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की मात्रा होता है, यानी उसे ही क्या करता है, अवशोषित होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, प्रकाश ऊर्जा में होता है। प्रकाश के द्वारा जो ऊर्जा मिलता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 19वां नंबर का सवाल आपका है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। क्या है, यकृत स्रावित करता है। देखिए फ्रेंड्स अभी आपको बताए हैं कि यकृत क्या स्रावित करता है, यकृत से आपका पित्त रस स्रावित होता है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा कि यकृत स्रावित करता है, क्या करता है, तो पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है, यकृत से होता है। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, 20वां नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है। क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, CO2, जल और ग्लूकोज। देखिए फ्रेंड, जब प्रकाश का संश्लेषण होता है तो उस समय आप याद रखिएगा CO2 भी संश्लेषित होता है, ग्लूकोज भी बनता है और जल भी बनता है। लेकिन फ्रेंड्स उस समय आपका जो संश्लेषित नहीं होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके बोर्ड के लिए 101% फ्रेंड्स बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रकाश का जब संश्लेषण होता है उस दौरान आपका क्या संश्लेषित नहीं होता है, तो ऑक्सीजन संश्लेषित नहीं होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बायोलॉजी के 20 इंपॉर्टेंट सवाल आपको कराए हैं फ्रेंड्स, इसी में से आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न बनेंगे फ्रेंड्स। यदि आप 95% तक आप अपने अंकों को प्राप्त करना चाहते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ही आप सभी को हल कराते रहते हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में सीधा छप पेपर में छपने वाले सभी सवाल होते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स।